हाय, दिस इज लक्ष्मी। आज मैं आपके लिए एसक्यूएल फॉर्मेट के लिए कोडिंग फॉर्मेट कैसा करना है, थोड़ा छोटा छोटा कैसा करना है फॉर्मेटिंग और क्वेरी स्टेटमेंट्स के लिए मैं बताती हूँ। ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग रहा तो हमको कोई प्रॉब्लम या कोई एरर हुआ तो उसके लिए थोड़ा हम इजी चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्या मतलब, ये पहले को जो जो है उसको हम मैं बोलती हूँ। पहले तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर लाइक विदाउट एनी प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो ये मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा हूँ और ये रहा प्रॉपर फॉर्मेटिंग का स्टेटमेंट है। तो यहाँ प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसा किया दे, ये दोनों का सेम ही मतलब सेम टेबल सेम क्वेरी है। मतलब ये मैं फॉर्मेटिंग के मेथड मतलब सेलेक्ट का स्टेटमेंट जो आता है वो लेफ्ट साइड में आता है, जो कोडिंग है वो सब राइट में आता है। और ये इसका इसका कितना अंतर है हम इजी से पढ़ सकते हैं और जो कुछ करेक्शंस है तो जो भी वो सब कर सकते हैं। यहाँ तो हम क्या क्या मतलब ये टेबल और कॉलम को वो तो हमें प्लूरल नहीं देना है, मतलब सिंगुलर मतलब एम्प्लॉई टेबल रहा तो हमें वहाँ एम्प्लॉई टेबल कह सकते हैं, मतलब एम्प्लॉईज टेबल ऐसा कुछ नहीं रख सकते, ऐसा मतलब वो सिंगुलर ही रहना चाहिए। और सब और ये टेबल का फॉर्मेट कुछ लोग का यूज करते हैं कैमल के स्टाइल, मतलब ये पहले जो लेटर है वो कैपिटल लेटर और दूसरा सब डार्क स्मॉल लेटर, ऐसा जो है जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टेबल मैंने लिखा ऐसा कैमल केस का रहता है। और ये और क्या करना है मतलब ये देखो, जब हमको चेक करना है कि वो कॉलम या टेबल नेम जो भी दे रहे वो ऑलरेडी एसक्यूएल में कीवर्ड का नहीं रहना चाहते। और कुछ टेबल के लिए हम दो वर्ड रहा तो हमें यहाँ वो अंडरस्कोर इस्तेमाल कर दे, या ऐसा मैं डिपार्टमेंट आईडी के लिए मैं यहाँ अंडरस्कोर टू वर्ड्स का ज्वाइन करना चाहती हूँ तो वहाँ हमें तो अंडरस्कोर रखकर वो ऐसा लिख सकते हैं। और क्या मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एंड एस्ट्रिक ऐसा ऐसा कुछ तो हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमें और अलाइनमेंट के बारे में कैसा रहता है वो लेफ्ट साइड में पूरा सेलेक्ट स्टेटमेंट और ऐसा कुछ रख सकते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट लेफ्ट जॉइन और जो क्वेरीज है वो सब लेफ्ट में लिखना है और अलाइनमेंट वर्ड्स को कीवर्ड्स को सब लेफ्ट में रहना चाहिए और रेस्ट ऑफ द कोड को राइट में रहना चाहिए। यहाँ देखो जो स्पेसेस सराउंड इक्वल का लाइक इक्वल में जो है इक्वल के बारे में और आगे और पीछे दोनों को इक्वल का ऑपरेटर में तो स्पेसेस ऐसा कॉमा के बाद स्पेस रखना चाहिए, ऐसा कुछ कम कर सकते हैं और ऐसा लिखना चाहिए। और अब कमेंटिंग के लिए तो हमें जो ज्यादा कमेंट में नहीं लिखना चाहिए और हमें अवॉइड करना चाहिए जो ज्यादा कमेंट लिखने के लिए। और सिंगल कमेंट के लिए तो हमें ऐश दो ऐश रख सकते हैं तो सिंगल कमेंट हो जाएगा। और वो मल्टीपल लाइन का कमेंट के लिए हमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बीच में कुछ भी जो जो लिखा है वो तब वो सब हमें वो मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाएगा। और ऐसा कीवर्ड्स को जो है ऐसा सब कुछ फॉर कीवर्ड्स लाइक फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय वो सब कीवर्ड्स हमें को एक एक लाइन में यूज करना है। देखो हमें कैसा लेफ्ट साइड में पूरा कीवर्ड्स आएगा, ये ऑन का ये एक लाइन में दिया है, फ्रॉम टेबल से एक लाइन का दिया, ऐसा एक कीवर्ड्स ऐसा हमें ऐसा ही एक एक लाइन में यूज करना है तो अच्छा रहेगा, हमको कोई क्वेरी के लिए ईजी पढ़ सकते हैं। यहाँ तो मेरा तो क्वेरी तो छोटा है मगर रियल टाइम सिनारियो में रहा तो ज्यादा बड़ा क्वेरीज रहता है, हमको तकलीफ हो जाएगा और कंफ्यूज भी हो जाएगा जो कुछ कुछ करेक्शन ऐसा कुछ करने के लिए। और जो तीसरा है क्या इंसर्ट इनटू का ऐसा वैल्यूज में, तो इन दिस केस यहाँ तो हमें एक एक रो के लिए अलग अलग लाइन में यूज करके या तो ऐसा हमें ऐसा जो है जो ऐसा इंसर्ट करना है तो हमको इजी मतलब दिखने में लिए और वो कंफ्यूज बिना कंफ्यूज के लिए हम डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये तो मेरा छोटा छोटा सजेशंस है जो कोडिंग के लिए इन जनरल रेगुलर में यूज करते हैं हमें एसक्यूएल कोडिंग के लिए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।